नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आज फिर हम बात कर रहे हैं प्रताप चंद्रा से। दरअसल 10 जून से लेकर 15 जून तक के लिए एक समय दिया गया था कि अगर जो लोग 1995 के मसले को लेकर के, मामले को लेकर के पीआईएल में पार्टी बनना चाहते हैं, वो लखनऊ आएंगे और वो सिग्नेचर करके अपना एक आधार कार्ड कॉपी और फोटो दे करके जाएंगे। क्योंकि कल से 10 जून शुरू हो रहा है और 15 जून की बात हो रही है, तो प्रताप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद। अब जरा उन दर्शकों को बताइए, क्योंकि लगातार उनके फोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, पूरा विस्तार से बताएं। जी, मैं विस्तार से बता रहा हूं। एक समाचार ये कोर्ट ने दिया है कि कल से जो फाइलिंग होगी वो डिजिटल भी हो सकती है। तो एक तो सबसे पहला करेक्शन ये दर्शकों को कर दूं कि उनको लखनऊ आने की जरूरत अब नहीं है। अब वो लखनऊ आने के बजाय अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराएंगे लीगल पेपर पे। लीगल पेपर क्या होगा? लीगल पेपर का मतलब जैसे जो पन्ना होता है उसको A4 बोलते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा लीगल पेपर होता है। अच्छा, वो फोटोकॉपी वाले के पास होता है, उसको बोलेंगे आप लीगल पेपर, तो वो लीगल पेपर पे फोटोकॉपी कर देगा। उस पे नीले रंग के पेन से दस्तखत करना होगा, काले से नहीं, नला केवल नीले से। उस फोटोस्टेट पे, फोटोस्टेट कॉपी जब आप होता है, किसी को आधार कार्ड देते हैं तो दस्तखत करते हैं ना उस पे कि ये मेरा ही है। सेल्फ अटेस्टेट, उसको सेल्फ अटेस्टेट कहते हैं। तो उस पे अपना दस्तखत कर देंगे और एक अपनी फोटो। ये दोनों चीजें लिफाफे में रख करके लखनऊ कुरियर कर दें, स्पीड पोस्ट कर दें। स्पीड पोस्ट चूंकि हर गांव में उपलब्ध होगा डाकखाना, तो कहीं से भी भेज देंगे। ये सबसे जरूरी चीज होगी। और उनको दौड़ना करेंगे लखनऊ में। एड्रेस हम सभी जिनका व्हाट्सएप आया था उनको भी भेज रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, आप फ्लैश कर दीजिएगा इस बात को। मेरा नाम लिखा रहेगा प्रताप चंद्रा, 2/36 रुचि खंड वन क्रिस्टल सिटी शॉपिंग सेंटर के सामने, मेन रोड लखनऊ, शारदा नगर योजना। ये उस पर लिख करके हमको डाक में आ जाएगा, तो हमारे ऑफिस में आ जाएगा। किसी को आने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि उसी से काम हमारा हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इन लोगों को देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुरादाबाद से हैं, बिजनौर से। इस कोरोना काल में हम नहीं चाहते कि कोई संकट में हो, और इसी में कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया, तो इसलिए अब हमारे को आसानी हो गई कि लोगों को पार्टिसिपेट करा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ये उस पीआईएल में पार्टिसिपेट हो पाएंगे जो 1995 को लागू कराने के लिए हम लोग डालने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये कि अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, जो आप बता रहे हैं उसको अपने घर से ही वो लोग कर सकते हैं। अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि बुलाया ना जाए दोबारा। कभी जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा कोर्ट के लिए, लेकिन अभी पार्टिसिपेट करने के लिए जो आना था वो आना स्थगित हो गया, वो अपने यहाँ से केवल डाक से ही भेजना है उनको। अच्छा, उसकी टाइमिंग बता दें, कब से कब तक भेजे जा सकते हैं, 10 जून के बाद से कब तक? नहीं, ये 20 तारीख के पहले हमको मिल जाए। अच्छा, 20 तारीख के पहले कितने लोगों को मिल जाए तो काम बन सकता है? जितने लोग भेज सके ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, दूसरी चीज, उतनी मजबूती होगी। हाँ, कागजात में क्या क्या देना है, एक तो आपने बताया। सिर्फ आधार कार्ड लीगल कॉपी करा करके फोटो, उस पे नीले रंग से दस्तखत करेंगे और अपनी एक फोटो ये लिफाफे में डाल करके हमको भेज दें, बस ये करना है। और जो जो चीजें कुछ लोग कह रहे हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी को भेजा, निर्वाचन आयोग को जो भेजा था, वो सब सारी बातें जो लगातार, वो सारी चीजें उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया है, वो सब हम लोगों ने निकाल लिया है। अच्छा, और जिन लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है वो भी जुड़ सकते हैं, वो उसी में रख करके भेज दें। ओके, जो लोगों ने, हाँ, अगर पुराने भी भेजना चाहें तो उसपे जो कागज और भेजना चाहें भेज दें, लेकिन ये कागज हमको मेन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो कोई कागज अगर भेजना चाहें तो वो भेज देंगे, तो उसमें कोई हर्ज थोड़ी है, वो तो अच्छी चीज है। 10 तारीख से 20 जून के बीच में सारा कागज आपको मिल जाएगा, फिर आप पिटीशन के लिए फाइल करेंगे, फिर बात करेंगे इन लोगों से। जी, फिर उसके बाद हो सकता है कि हमारी लड़ाई दो तरीके से चलेगी, एक जमीन पे चलेगी, एक कोर्ट में चलेगी।
हो सकता है उसके बाद कोई रणनीति बने और उस रणनीति के तहत चुनाव आयोग को घेरने का बने, आंदोलन करने की बात बने लखनऊ में, तभी तो कोर्ट दबाव महसूस होता है कि लोग सड़क पे आ गए हैं। वो सूचना आप कोल टाक के माध्यम से दिया करेंगे? जी अभी नहीं, अभी नहीं, वो उसका अक्टूबर में समय, अक्टूबर में आएगा, उससे पहले नहीं, सितंबर में या अक्टूबर में, ये अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आज की बड़ी खबर यही है कि जिनको पार्टीशन में पार्टी बनना है, पिटीशन में, वो 10 से 20 दिनों के बीच में अपने घर से कागजातों के साथ भेज देंगे, लीगल कागज। कई लोग पूछ रहे थे क्या होता है इस नाम से, कोई पैसा मांगे तो उसको कोई पैसा ना दे, रुपया नहीं चाहिए, कोई रुपया ना दे। अगर किसी को रुपया देना है तो संतोष जी को दे दीजिए, कम से कम बढ़िया चैनल चलाते हैं, कुछ इनका सहयोग होगा तो आपकी बात रखेंगे। मेरे नाम से कोई पैसा मांगे दीजिएगा नहीं, समझ लीजिएगा झूठ बोल रहा है। कई लोगों ने पार्टी पेटिशन में नाम डलवाने के पैसे भी लिए हैं, लोगों ने बताया है। तो प्रताप जी, अपडेट खबर यही है कि अब 10 तारीख को जाने की जरूरत ज्यादा नहीं है, वो यहाँ से भेज सकते हैं और इससे काम हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो अब लगातार हम लोग क्योंकि 95 की लड़ाई लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई नया अपडेट होगा दोस्तों तो आपको इस चैनल पर फिर मिलेगा। प्रताप जी का सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यही है जो उन्होंने बताया है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, तभी आप जाकर के समझ पाएंगे करना क्या है। प्रताप जी ने आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।